नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आने लगा था मेरे पास कि भाई गेम प्ले क्यों नहीं डाल रहे हो, गेम प्ले क्यों नहीं डाल रहे हो। तो भाई फाइनली आज तुम लोगों के लिए गेम प्ले फिर से लेके आ चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज का गेम प्ले जरूर देखना, क्योंकि भाई आज मैं उन लोगों के लिए गेम प्ले बना रहा हूँ जिनको नेट कुक करना नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नेट नहीं चला पाते हैं सही से। तो आज मैं आपको नेट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, और उसके साथ साथ गेम प्ले में आप M4 और 6X का कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि आपको किस टाइम पे रस करना चाहिए, किस टाइम पे नेट कुक करना चाहिए, ये सब चीजें आप यहां पे आज मैं आपको कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप 10 कमेंट को शॉर्ट आउट देते हैं, लकी कमेंट को पिन करते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और आज की वीडियो मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है मेरे भाई। तो आज का पहला शॉर्ट आउट जाता है हैड्रा, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है एंग्री, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है सबाब, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है मोहद, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है वर्ल्ड गेमर्स, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है सुमित, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है हैड्रा, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है बिजॉय, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है जिमिंद्रा गेमिंग, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है एंग्री। तो इन्होंने लिखा है नाइस प्रो, ओके भाई नाइस, थैंक यू बहुत बहुत भाई, लव यू होगा, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया मेरे भाई। और नौ नंबर वाले भाई ने लिखा आई एम फर्स्ट कमेंट शॉर्ट आउट, भाई फर्स्ट पे नहीं हो तुम, नौ नंबर पे हो मेरे भाई। तो जब तक आप फर्स्ट लिखते हैं तब तक आपसे पहले नौ लोगों ने और कमेंट कर दिया था। तो चलिए फटाफट से एक लकी कमेंट को पिन कर देते हैं। तो दोस्तों आज का लकी कमेंट जाता है विशाल साहू को, इन्होंने लिखा है भाई जिससे ग्रेनेड फेंका जाता है उस पर उजाला चार कोण बन जा रहा है और ग्रेनेड नहीं फेंक रहा है, अटक जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा ग्रेनेड फेंकने वाला बटन होता है ना, उस पर जैसे हम टैप करते हैं तो वो ग्लिच हो जाता है। कुल मिला के इनका मतलब कहने का ये है, सफ़ेद सफ़ेद पट्टी जैसी आ जाती है और उसके कारण हम नेट नहीं फेंक पाते। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि न्यू अपडेट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जिन जिन लोगों को आ रही है न्यू अपडेट के बाद आ रही है, तो न्यू अपडेट इसके बाद जो आएगा उसमें ये सब शायद उम्मीद है कि प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। तो आपने कॉमेंट किया, दिल से लव यू हो गया, और आपके मैंने कॉमेंट का रिप्लाई कर दिया। उम्मीद है आपको ये सब चीजें पता चल गई होंगी कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे भाई, ठीक है। तो जिन लोगों ने यार कमेंट किया सबको दिल खोल के लव यू एंड बहुत सारा प्यार हो गया मेरे भाई। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भाई न्यू अपडेट के बाद काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, दो मैंने किल बिल्कुल फिनिश कर दिए लेकिन अभी मेरे किल ऊपर जीरो दिखा रहा है। तो इस तरह की भी ग्लिच आ रहे हैं कि हो सकता है आप किल कर रहे हो लेकिन किल वहां पे कोई चुरा भी नहीं रहा आपके किल, ठीक है, लेकिन फिर भी किल नहीं शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से मेरा पहला किल स्टार्ट हुआ जबकि वहां पे मैंने पानी पे दो बंदों को मारा था लेकिन वो किल यहाँ पे शो ही नहीं हुआ। तो ऐसे भी ग्लिच आ रहे हैं कभी कभी न्यू अपडेट के बाद। तो ये ग्लिच मेरे हिसाब से नेक्स्ट अपडेट में ही सही हो पाएंगे, अभी तो बीच में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि सही हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजों को और कवर कर लेते हैं, क्योंकि भाई पिछली बार काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई नेड के बारे में बताओ। तो यहाँ पे देखिए सामने वाली बिल्डिंग पे एक बंदा है, जो दो बंदे हैं जिसमें से एक बंदा जो है वो नॉक हो चुका है। अभी इनके दो प्लेयर जो है वो अभी जीवित हैं, ठीक है, एक बंदे को नॉक कर दिया गया। तो अब मैं इसके ऊपर रस करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो टीम है वो सामने से जाएगी, मैं पीछे से जा रहा हूँ नेड करने। और नेड करने का सही तरीका क्या होता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और करके भी बता देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि आपको कैसे करना है। देखिए इस नेड को मैंने हाथ पकड़ा, होल्ड किया, ठीक है, होल्ड करने के बाद आधा लोड कर देना, और लोड करते ही जैसे ही फेंका नेट तुरंत भागो घर के अंदर, ठीक है। और कोशिश ये करो कि जैसे ही नेट फूटे तुरंत ऊपर चले जाओ, तुरंत ऊपर चले जाओ, क्योंकि भाई अगर देखो पहली बार तो नेट फेंका तो डायरेक्ट दो बंदे जो लाइव थे दोनों मर गए और ऊपर में चला गया। अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत जीवित होता या फिर थोड़ा बहुत जिंदगी उसके अंदर बची होती तो वो मैं गन से मार देता, फिनिश कर देता, क्योंकि नेट फेंकने के बाद फिर बंदे के थोड़ा बहुत अगर मतलब अगल बगल भी गिरता है ना तो उसकी हेल्थ तो पक्का ही डैमेज हो जाती है, फिर उसके ऊपर मारना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस ट्रिक का जरूर यूज किया करो, और जो लोग नेट नहीं करना जानते थे उम्मीद है छोटी सी ट्रिक पाने के बाद अब नेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेट का बहुत अच्छा उपयोग होता है, बस आपको जरूरत है तो उसको सही तरीके से यूज करने की, ठीक है, ये चीज होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई मेरा एक टीममेट जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई उसने तीन बंदों को तो मार दिया लेकिन एक बंदा जो था उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये एक प्लेयर है, अब यहाँ पे करना क्या, देखो मैं इसने इसको नॉक कर दिया, मैं इसको पूरा किल नहीं करूंगा क्योंकि बंदा नॉक हुआ है और उम्मीद है कि इसकी जो टीम है वो अगल बगल ही कहीं पर होगी, तो मैं इसका पीछा करूंगा। ये बंदा जा रहा है मतलब घसीटते हुए, तो देखता हूँ अगर कोई बंदा इसको बचाने आता है तो मैं पहले उसको पेलूंगा, तो देखता हूँ कहाँ तक जाता है। तो मैं अभी इसको मारूंगा नहीं, इसका मैं पीछा करूंगा। ये चीज जरूर अप्लाई
करना अगर किल बढ़ाना है तो भाई, इससे तुम्हें पूरी टीम का पता चल जाएगा। क्योंकि नॉक बंदा जो होता है ना, वो जितने भी नूब बंदे होते हैं, जब वो नॉक होते हैं ना, तो नॉक होने के बाद अपने टीम की तरफ ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो बस वहां से तुम उनकी टीम का पता लगा सकते हो, उनको मार सकते हो। लेकिन ये बंदे की शायद कोई टीम नहीं थी, या फिर बहुत ज्यादा दूर थी कहीं पर टीम जो कि इसके पास नहीं आई, तो मैंने इसको पूरा किल कर दिया और इससे जो भी सामान था वो लूट लिया मेरे भाई। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने लूट वूट पूरी कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे चाहिए थी नॉर्मल वाली लूट, वो सब ले ली है। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी लेके मेरे पार्टनर आया, बहुत से लोग होंगे गाड़ी में बैठ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि ऊपर आप देखिए ध्यान से मैप में कि रेड जोन चल रहा है। और जब भी रेड जोन चल रहा हो, अगर आपके दो पार्टनर बैठे हुए हैं तो आप मत बैठिए वहाँ पर, क्योंकि रेड जोन है, कम से कम एक लोग तो बचोगे जो उसको रिवाइव कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो ये बंदा, देखो क्या बात है भाई साहब, बंदा कितना तगड़े से भाग रहा है। तो इसको मैं पेलपाल के रामपाल अभी बनाता हूँ। तो ये देखो ये भी रामपाल बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये अकेला बंदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके साथ और भी टीम होने वाली है, क्योंकि अभी बचे हुए हैं 10 बंदे। और देखते हैं भाई ये 10 बंदे कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं जंप करके अब आगे निकलने वाला हूँ, क्योंकि अब टॉप 10 पे आ ही चुका हूँ। अब यहाँ पे ना ही मुझे मतलब रैंक डाउन होने का डर है, ना ही किसी चीज़ का डर है। तो अब मैं यहाँ से जंप करूँगा और जंप करके नीचे जाऊँगा और पूरी तरह से रस गेम प्ले करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ियों के पीछे से एक बंदा मेरे हिसाब से गया है, और ज़रा सा मुझे दिखा भी तो मैंने थोड़ा बहुत फायर देने की कोशिश की, लेकिन बंदा गायब हो गया, दिखा नहीं। ये रहा बंदा, तो ये देखो आते ही मैंने उसको लुढ़का दिया, मुझे लग रहा आई थिंक ये बोट था। तो यहाँ पे आप देखिए सामने वाली बिल्डिंग पे भाई, वो देखो बंदा क्या बात है, ओम लिए बैठा हुआ है और ओम का शॉट दे रहा है तगड़े से, ठीक है। तो सबसे खतरनाक भाई बंदे वही होते हैं जिनके पास AWM होती है, ठीक है। AWM वाले बंदे से बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, क्योंकि भाई अगर गलती से भी उसने बॉडी शॉट भी तुमको दे दिया ना, तो तुम्हें टेढ़ा तो होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले उनसे सतर्क रहो, ठीक है, और एक जगह तो बैठो ही ना, क्योंकि भाई अगर नूब बंदे के पास होगी तो जल्दी से नहीं मार पाएगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पर डैमेज दिया इसको, काफ़ी तगड़ा डैमेज दिया, और ये बंदा डैमेज हो गया, काफ़ी सारा डैमेज इसके ऊपर पड़ा है, लेकिन ये बंदा अभी तक नॉक नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको धीरे धीरे करके मेरे पार्टनर ने एक ने इसको नॉक करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी बच गया, नॉक नहीं हुआ। और अब हम लोग इसके ऊपर रस करने वाले हैं फिर से, तो फिर से देखो कि रस कैसे होता है। और यहाँ पे भी मैं नेड का ही यूज करने वाला हूँ, यानी कि बम ग्रेनाइट, ठीक है, उसी का यूज करने वाला हूँ। ध्यान से देखो कैसे यूज कर रहा हूँ। तो पहले तो सबसे पहले मुझे कवर कवर भागना है, क्योंकि बंदा छत पे है और एक नहीं दो दो बंदे हैं, मेरे हिसाब से दो या तीन बंदे हैं ऊपर। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे भागना है कि वो बंदा देख ना पाए मुझे, नहीं तो अगर देख लिया तो खड़े होकर रस कर देगा मेरे ऊपर, फिर मेरी पेटी बन सकती है, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि वो पेटी मेरी बना देगा। तो वो देखो बंदा ऊपर से थोड़ा बहुत मतलब अपनी खोपड़ी उसकी दिख रही है मुझे, कि वो बंदा मतलब आने की खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे है, तो उसके पास मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, और पूरी तरह से रस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा कवर लेके भागूंगा, नहीं तो वो बंदा मतलब अगर फाइट दे दिया तो मैं मारा जाऊंगा फोकट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं उसके ऊपर नेट करने वाला हूँ, ध्यान से देखना कैसे नेट कर रहा हूँ। आधा नेट तक लोड हो जाने देते हैं, फिर नेट को फेंक देते हैं। तुरंत मत फेंका करो कि बल्ला क्लिक किया तुरंत फेंक दिया, थोड़ा सा लोड हो जाने तो फिर फेंको, जिससे होगा क्या कि बंदे की जो मतलब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके बाद मोमेंट करने की मतलब टाइम नहीं बचेगा कि वो भाग सके या कुछ कर सके, वो जाते ही फट जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सब पेटियां तैयार हो गई होंगी, तो ये देखो पेटियां ही पेटियां पड़ गई हैं, ठीक है। तो ये बंदे नॉक थे मेरे हिसाब से, और जैसे ही नेट गिरा सबके सब पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अभी जो बंदे हैं वो एक ही दो बचे हुए हैं, और एक दो बंदों में से बंदे हैं कहाँ पे, इनका अभी कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये कहाँ पे हैं। तो हम लोग इसको ओपन में जाके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भाई ये बंदा मुझे दिख नहीं रहा, हो सकता है जोन में हो या घर में हो या फिर कहीं और भी हो। तो फाइनली इसका जो फंडा है बहुत ही गजब है, क्योंकि इसकी मौत जो होगी ना भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो ज़रूर देखना लास्ट में किसकी मौत कैसे होती है, लास्ट वाले बंदे की जरूर देखना, ठीक है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट ट्रिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सभी ट्रिक वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाली है, तो फटाफट से बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर बंदा अभी जो है वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा, क्योंकि भाई बंदा बिल्कुल ये समझ लो कैंपर का भी बाप है, बाप का दादा है ये समझ लो, ठीक है। तो इससे बड़ा कैंपर मैंने नहीं देखा है, कि देखो तीन नंबर वहीं पे खड़ा है, ठीक है, लेकिन बंदा एक भी मोमेंट नहीं कर रहा है। ये देखो बैठा हुआ दिख रहा है, क्या बात है, ऐसा लग रहा है ऑफलाइन है, लेकिन ये ऑफलाइन नहीं है। इस चीज की गलती मत करना, देखना अभी कैसे चिलकेगा, अभी देखना
क्या बात है, देखना ये देखो, नेट फेंका और ये बंदा बाहर आ गया। ठीक है, कहते नहीं है चींटी को बिल से अगर निकालना है ना तो वहाँ पे चीनी या गुड़ डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने चीनी या गुड़ जैसे ही फेंका, बंदा ऑटोमेटिक बाहर निकल आया और हमने उसको पेल पाल के रामपाल बना दिया। ठीक है, तो ये देखिए फाइनली बंदा जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आज का गेम प्ले यार कैसा लगा कॉमेंट करके बताना। उम्मीद है छोटी छोटी ट्रिक एंड ट्रिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आ गई है तो दिल खोल के लाइक और शेयर मार दो, और नए वो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो ताकि सभी को ये ट्रिक वीडियो मिले और सभी इसका लाभ उठा सकें। उम्मीद है छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग कूल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।